अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की डेली अपडेट के साथ हाजिर हूं। सबसे पहले हम आज के कैलेंडर को देख लेते हैं। कैलेंडर को देखने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि नेक्स्ट जो 2 डेज हैं, यानी कि थर्सडे और फ्राइडे की यूएस में हॉलीडेज हैं, तो इसलिए जो यूएस का बाकी दिनों का डाटा है, रिमेनिंग जो डेज हैं, उनका डाटा भी आज ही आएगा। इसलिए काफ़ी सारा डाटा है और इम्पोर्टेंट डाटा है, तो मार्केट जो है उस टाइम वोलेटाइल रह सकती है, तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। चलिए हम चलते हैं डाटा पर जिन पर आपने नज़र रखनी है। सबसे पहले अगर हम देखें तो 2 बजे यूरो साइड पर जर्मन का IFO बिजनेस क्लाइमेट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डाटा जो हमारे पास आएगा वो सबसे पहले आएगा शाम 6:30 पर, जिसमें यूएस के GDP नंबर्स हैं क्वार्टर टू क्वार्टर, जिनकी फोरकास्ट इस दफ़ा 2.2% है, प्रीवियस ये 2% आए थे। इसके साथ कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स हैं, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स हैं, तो ये वो डाटा होगा जो 6:30 बजे के आसपास आपने इस पर नज़र रखनी है। उसके बाद अगर हम देखें तो फिर 8 बजे डाटा आएगा, ख़ास तौर पर PCE और कोर PCE प्राइस इंडेक्स आएंगे, जिसे फेड की यानी कि US के सेंट्रल बैंक की इन्फ्लेशन गेज भी कहते हैं। उसके साथ मिशिगन का कंज्यूमर सेंटिमेंट्स हैं, न्यू होम सेल्स नंबर्स हैं, पर्सनल इनकम्स हैं, पर्सनल स्पेंडिंग्स हैं, मिशिगन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैं, और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं जो क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं, और उसके साथ साथ रात फिर 12 बजे FOMC के जो मीटिंग मिनट्स हैं वो भी रिलीज होंगे। तो आपने देखा कि काफ़ी सारे डाटा हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटा है, तो इसलिए आपने ख्याल करना है मार्केट वोलेटाइल रहेगी, तो जो भी ट्रेड लेनी है वो आपने विद स्टॉप लॉस लेनी है। चले जी हम चार्ट पर चलते हैं। तो गोल्ड इस वक्त तकरीबन 1796 के आसपास चल रहा है। कल गोल्ड ने तकरीबन 1782 के आसपास के लो बनाए और उसके बाद हमें कुछ रिकवरी देखने में आ रही है। तो जैसा कि हमने कल इस चीज़ को डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, ये डेली चार्ट है कि अगर गोल्ड 1790 ब्रेक करता है तो गोल्ड अपनी शॉर्ट टर्म जो स्पॉट लाइन है वहाँ तक जा सकता है। एग्जैक्टली गोल्ड ने उसी के आसपास के लो बनाए और फिलहाल 1796 के आसपास चल रहा है, तो आज भी आप इस चीज़ को काउंट कर सकते हैं, यानी कि इसको मैं H4 पर लेकर जाता हूँ, इंट्राडे के लिहाज से बात करते हैं। ये है जी H4 का चार्ट। ये एक हमारी ट्रेंड लाइन है 8 अगस्त के लो से, और दूसरी हमारी जो ट्रेंड लाइन है वो है 29 सितंबर से। ठीक है जी, अब मैं इसको ज़रा जूम कर दूँ ताकि आपको नज़र आए। तो कल तकरीबन इसी के आसपास के लो बनाए, तो अभी भी ये जो हमारी स्पॉट लाइन है ये इंटैक्ट है। अगर इसको गोल्ड ब्रेक करेगा, ये 1782 के आसपास है ये वाला एरिया, ठीक है जी, जब आप लगाएंगे तो आपको ये शो हो जाएगा, तो इमीडिएट स्पॉट यही है। अगर ये स्पॉट ब्रेक होगी तो आप गोल्ड कह सकते हैं कि गोल्ड दोबारा से फिर 1768 और 1760 तक इस जो ये जो स्पॉट लाइन है फिर यहाँ तक जा सकता है। दूसरी साइड पर अगर हम लेवल वाइज देखें अप साइड पर, तो इमीडिएट जो हर्डल इसके पास है वो 18045 की है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर गोल्ड 1810-1812 का एरिया है। अगर इसके ऊपर गोल्ड निकलेगा तो फिर हम कह सकते हैं कि गोल्ड 1820 और 1830 तक जा सकता है। ठीक है जी, ये जो आपको लेवल मैंने यहाँ पर शो करवाए हैं, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। ठीक हो गया जी, तो अब हम चलते हैं और आज के लेवल देख लेते हैं कि आज हमारे क्या लेवल रहेंगे गोल्ड। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लिया करें जिसमें तमाम लेवल लिखे होते हैं। आज जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी 1810 से 12 के एरिया। ठीक है जी, ये जो हमने H4 पर ये वाला एरिया मार्क किया हुआ है, ये वाला, ठीक है जी, ये चीज़। अगर गोल्ड इसके ऊपर निकलता है तो आप कह सकते हैं कि गोल्ड 1818, 1822, 1830 और 1834 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर जो हमारी सपोर्ट रहेगी गोल्ड में वो रहेगी $1780 की।
जो चीज मैंने आपको दिखाई है, ये जो ट्रेंड लाइन होगी ये हमारी स्पोर्ट लाइन रहेगी। अब अगर गोल्ड 1780 ब्रेक करता है तो गोल्ड 1775, 1770, 1760 और 1750 तक जा सकता है। याद रहे कि अभी भी गोल्ड का जो ट्रेंड है वो वीक ही है। जब तक आप कहें कि 1810-12 के ऊपर नहीं निकलता तो गोल्ड पर दोबारा से जो बेयर्स हैं वो अटैक करते रहेंगे। बाकी अगर कुछ लेवल चेंज हुए वो मैं आपके साथ फिर अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पर इवनिंग में। आजकल वीडियो मैं नहीं बना रहा, इसलिए कोई अपडेट हुई तो मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। शुक्रिया।